गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अड्डा 24/7 टेक्निकल। आज भी रिक्की शर्मा जी सबसे पहले आ चुके हैं। गुड इवनिंग रिक्की जी। तो अब हमने थोड़ा सा टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज ले आए हैं। हम हमारे लेक्चर जो हैं वो शाम को लगा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सुबह के टाइम का कॉलेज रहता है हमारा, और कोशिश करिए सर कि शाम को लेक्चर हो जाए ताकि हम लोग भी उसको अटेंड कर सकें। तो उन्हीं सारे बच्चों की बातों को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे लेक्चर्स को विज़िट कर पाएँ। तो केशव साहू जी भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग। हेमा जी गुड इवनिंग। चंद्रकांत जी भी आ गए हैं, गुड इवनिंग। हसन मौला जी भी देखिए अब रेगुलर हो गए हैं काफ़ी, तो गुड इवनिंग। नकुल शर्मा जी भी काफ़ी अब आते हैं, तो बताएंगे कैसे हैं सभी आप लोग। और आज भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी कम बच्चे हैं, एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ इससे ज़्यादा ही है। अविनाश कुमार जी गुड मॉर्निंग। तो कमेंट करके मुझे बताएंगे कैसे हैं सभी लोग, और पुराने लेक्चर में कोई भी डाउट होगा तो वो भी ज़रूर पूछें। सोनी चटर्जी को भी गुड इवनिंग। विजय गुप्ता जी भी आ गए हैं, चलिए गुड इवनिंग। तो अभिषेक साहू जी को मैं पूछना चाहूँगा कि अभिषेक साहू जी को अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुबह उनका कॉलेज रहता था और अब शाम को कोई दिक्कत नहीं होगी। अविनाश कुमार जी गुड इवनिंग। सुमन सौरभ जी गुड इवनिंग। आकाश भरूले भी आ चुके हैं, धीरज यादव जी भी आ चुके हैं, डी के मीना जी, सोहनी जी। मैं देख रहा हूँ टुडे इज़ माई फर्स्ट डे कह रहे हैं अभिषेक चौधरी जी, फर्स्ट डे ओके ठीक है। अभिषेक चौधरी जी का पहला दिन है, कोई बात नहीं। अभी हमने सर्वे सब्जेक्ट शुरू ही किया है, एक ही लेक्चर हमारा हुआ है, तो अभी आपका कोई बहुत लॉस नहीं हुआ है। एक लेक्चर आप देख लेंगे और कैरी ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाएगा रोज़ाना लाइव अटेंड होने की में दिक्कत आ सकती है। तादुद्दीन शेख जी कह रहे हैं कि उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक मिनट, कुछ सर ये कुछ प्रॉब्लम आ गई है यहाँ। यहाँ पे लैपटॉप बंद हो चुका है, मैं बच्चों के कमेंट्स को रीड नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, हम दो मिनट में प्रॉब्लम थोड़ी सी रिजॉल्व कर देते हैं। चलिए, तो मैं सभी लोगों को ये एडवाइस ज़रूर करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ, शेयर ज़रूर करें। जो भी लोग नए हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और तो और मैं भी ये कहूँगा कि अब सभी लोग जब आरआरबी जेई की तैयारी में लगे हुए हैं, तो सीबीटी वन में मैं पहले भी बोल चुका हूँ और दोबारा भी बोलना चाहूँगा कि सीबीटी वन की जब सब लोग तैयारी कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल पर बहुत फोकस करना है, साथ में टेक्निकल को भी नहीं छोड़ना है, टेक्निकल पर भी ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि सीबीटी वन के बाद सीबीटी टू में कितना टाइम हमें मिलेगा। अगर ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो फिर आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। इसी कारण की वजह से आपको सीबीटी टू को भी, मतलब टेक्निकल को भी, काफ़ी ध्यान में रखते हुए चलना है और उसकी भी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि एग्ज़ाम तो हम इसी बार क्रैक करेंगे। ठीक है, तो आरसीसी का लेक्चर हो चुके हैं, एस्टिमेट के हो चुके हैं, उस पर क्वेश्चन सेशन भी हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे हों वो देख सकते हैं। साथ में सर्वे चल रहा है, सर्वे में भी कोशिश करें कि लाइव बने रहें, और जो भी क्वेरी होगी हम उसे सॉल्व करेंगे, ताकि जब भी हम एग्ज़ाम देने के जाएं तो हमारा हर एक क्वेश्चन वहाँ पे बिल्कुल सही लगना चाहिए। क्लियर रहेगी मेरी बात? चलिए, अब देखिए, कल मैंने लास्ट लेक्चर में श्रंक, मैंने बोला था कि कल मैं बहुत अच्छा कुछ कराने वाला हूँ, तो आज मैं श्रंक स्केल की बात करने वाला हूँ। श्रंक स्केल, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में स्केल की बात करी थी, अब मैं श्रंक स्केल की बात करने जा रहा हूँ। श्रंक स्केल भाई, इसको समझने के लिए मैं एक अजम्पशन लेता हूँ, ठीक है, कि भाई मेरे पास एक मैप था, किसी भी एरिया का एक मैप था, और उस पर कोई एक लाइन थी जो एक सेंटीमीटर 50 मीटर दिखाती थी। लेकिन ये थोड़े टाइम के बाद मैप काफ़ी लंबे समय तक रखा रहा, पेपर हम जानते हैं एक मटेरियल है, और टाइम के साथ थोड़ा सा श्रंक कर गया, थोड़ा सा क्यों गया, छोटा हो गया। तो जो 5 सेंटीमीटर की लाइन थी वो तब कितना दिखाती होगी, 250 मीटर। लेकिन अब ये 5 सेंटीमीटर की लाइन छोटे होके 4.8 सेंटीमीटर की हो गई। यही 5 सेंटीमीटर की लाइन अब छोटी होके 4.8 सेंटीमीटर की हो गई, तो मतलब मैप जब श्रंक हो गया है, तो ये जो 4.8 सेंटीमीटर की लाइन है
अब ये जो 5 सेंटीमीटर की थी ये 4.8 सेंटीमीटर की हो चुकी है, तो जो एक्चुअल में अब 5 सेंटीमीटर की है वो कितना दिखाएगी? अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो मैं वो श्रंक स्केल की मदद से कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो अब मैं आपके कमेंट्स भी देख पा रहा हूँ, बाहर हूँ, घर जाके देखूँगा लेक्चर। जिमी आहूजा जी कह रहे हैं आपको कहीं देखा है, जिमी आहूजा जी बिल्कुल आपने यही अड्डा 24/7 टेक्निकल पे आपने मुझे देखा होगा। सुनील जी हेलो कह रहे हैं, ठीक है। सुनील महर जी कह रहे हैं आप बातें बहुत करते हैं, ठीक है भाई, बातें तो करनी पड़ती हैं क्योंकि आप समझेंगे कैसे वरना। चलिए तो इसको मैं कोशिश करता हूँ, पहले मैं श्रंक स्केल बता देता हूँ आपको क्या है, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन की मदद से, क्योंकि एक क्वेश्चन की मदद से थोड़ा अच्छा सॉल्व करने को मिलेगा हमें। देखते हैं तो श्रंक स्केल क्या है, ठीक है। अगर मुझे ये निकालना है कि क्या श्रंक स्केल है, ठीक है, तो श्रंक स्केल क्या होगा, जो भी उसमें श्रंक हुआ होगा, जो भी श्रंक हमें देखने को मिला होगा, तो मैंने कह दिया श्रंक फैक्टर, ठीक है। अगर मैं श्रंक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं किसको, ओरिजिनल स्केल को, जो भी ओरिजिनल स्केल था, अगर जितना भी फैक्टर वो क्या हुआ है, छोटा हुआ है, मैं श्रंक फैक्टर निकाल लूं उस मैप का, तो मैं बता सकता हूं कि अब श्रंक स्केल क्या है। लिख देता हूं मैं पूरा ही श्रंक स्केल, ठीक है। अब ये श्रंक फैक्टर कैसे निकाला जाए, श्रंक फैक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं, आप देख सकते हैं कि पहले वो लाइन कितनी थी, पहले ओरिजिनल लाइन कुछ भी थी, ओरिजिनल लेंथ थी, जो भी ओरिजिनल लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है। और अब श्रंक लेंथ, अब श्रंक होके कितनी हो गई, श्रंक लेंथ कितनी है, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना रिडक्शन आ गया, और जितना रिडक्शन आ चुका होगा मैं उसे श्रंक फैक्टर कह दूंगा, जितना श्रंक फैक्टर आएगा मैं उस श्रंक फैक्टर के हिसाब से बता सकता हूँ कि अब श्रंक स्केल कितना है। क्लियर रहेगी मेरी बात? अब इसी को क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पे लगा देते हैं, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को अगर आप देखें स्क्रीन पे, अ मैप है श्रंक एंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन इज नाउ रेड एज 9.4 सेंटीमीटर ओनली। तो पहले एक मैप था जिसकी जिस पे एक लाइन थी जो कि 10 सेंटीमीटर की थी, अब श्रंक होने के बाद वो कितनी रह गई है, सिर्फ 9.4 सेंटीमीटर की रह गई है। देखने वाली बात है, तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी, और अब श्रंक लेंथ कितनी हो चुकी है, 9.4 सेंटीमीटर। तो मैं इसकी मदद से क्या निकाल सकता हूँ, श्रंक फैक्टर निकाल सकता हूँ। अब ध्यान देते हैं, इफ द ओरिजिनल स्केल ऑफ द ड्रॉइंग वॉज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, जो ओरिजिनल उसका स्केल था वो कितना था, 1 सेंटीमीटर जो दिखाता था, एक्चुअली सेंटीमीटर लिखा है ये मीटर में होगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 25 मीटर के बराबर था। तो कहता है कि मुझे बता दो, देन कैलकुलेट एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन ऑन द ग्राउंड फॉर मेजर्ड लेंथ ऑन मैप एज 8.2 सेंटीमीटर। अब जो 8.2 सेंटीमीटर की लाइन है मैप पे श्रंक होने के बाद, वो एक्चुअली में कितना बताती है ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि जब मैप श्रंक हो चुका होगा तब 8.2 सेंटीमीटर पहले जो दिखाता था और अब जो दिखा रहा है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। मैं पहले श्रंक स्केल निकाल लेता हूँ, सॉरी श्रंक फैक्टर निकाल लेता हूँ, इसकी मदद से मुझे पता चल जाएगा कितना रिडक्शन आया है। भाई श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इस्तेमाल करनी है, श्रंक लेंथ मुझे पता है कितनी दी गई है, 9.4 सेंटीमीटर दी गई है, और ओरिजिनल लेंथ मुझे कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो इसके बिहाफ पे मैं निकाल सकता हूँ श्रंक फैक्टर कितना आया, 0.94 श्रंक फैक्टर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, श्रंक फैक्टर जैसे ही मुझे देखने को मिला तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि स्केल श्रंक होने के बाद एक्चुअली में क्या हो गया होगा। देख लेते हैं, श्रंक स्केल क्या होगा, जो भी श्रंक फैक्टर होगा मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल स्केल। श्रंक फैक्टर मैं निकाल चुका हूं 0.94, और ओरिजिनल स्केल कितना है, 1 सेंटीमीटर इज टू 25 मीटर, मतलब 0.94 मल्टीप्लाई बाय 1/25 मीटर में है, तो दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2500।
100 की वैल्यू हो चुकी है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो वैल्यू कितनी आएगी, श्रंक स्केल की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/26 समथिंग आ रही है, जैसा मुझे ध्यान है 2659, ठीक है 2659। अब देखिए श्रंक स्केल आ गया, पहले जो एक सेंटीमीटर कितना दिखाता था, पहले जो एक सेंटीमीटर आपको 2500 सेंटीमीटर ग्राउंड पे दिखाता था, अब वही एक सेंटीमीटर श्रंक होने के बाद 2659 सेंटीमीटर दिखाएगा। अंतर समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि पहले जो एक सेंटीमीटर ओरिजिनली 2500 सेंटीमीटर ग्राउंड पे दिखाता था, अब वही एक सेंटीमीटर मैप जब श्रंक हो गया तो वही एक सेंटीमीटर अब कितना दिखाएगा एक्चुअली ग्राउंड पे, 2659 सेंटीमीटर। तो मुझे सवाल ये पूछा गया है कि ये मुझे बता दीजिए जब मैप श्रंक हो गया होगा तब 8.2 सेंटीमीटर मुझे ग्राउंड पे कितना दिखाएगा। भाई मैं ये निकाल चुका हूँ कि अब एक सेंटीमीटर 2659 सेंटीमीटर दिखाता है तो 8.2 कितना दिखाएगा, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 8.2 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8.2 सेंटीमीटर दिखाएगा मुझे, 8.2 मल्टीप्लाई बाय 2659 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू निकल के आ रही है आपकी कुछ 21808 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में बदल दें तो 218.08 मीटर। तो एक्चुअली में जो अब मैप पे 8.2 सेंटीमीटर की लाइन होगी वो ग्राउंड पे कितना दिखाएगी, 218 मीटर दिखाएगी। नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है वो 218 मीटर दिखाएगी। बात समझ में आई होगी तो थम्स अप करके बताएं, और नहीं भी आई है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रदीप पॉल जी कह रहे हैं आई एम न्यू, प्रदीप पॉल जी का बहुत स्वागत है यहाँ पे। रिकी शर्मा जी कह रहे हैं 21.80 सेंटीमीटर, नहीं 218 आएगा मीटर में और आप सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं रिकी जी, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। रितिका जी भी आ चुकी हैं, थोड़ा लेट हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। कुलजीत जी कह रहे हैं जब श्रंक लेंथ होगा तो साइज़ बढ़ जाएगा क्या, बिल्कुल सोचने वाली बात है, बिल्कुल सोचने वाली बात है कि पहले ये 5 सेंटीमीटर की लाइन थी जो कि मैं मान लेता हूँ कि 250 मीटर ग्राउंड पर दिखाती थी, अब यही लाइन क्या हो चुकी है, छोटी हो चुकी है, अब ये कितनी रह गई है, सिर्फ इतनी रह गई है श्रंक होने के बाद, लेकिन 5 सेंटीमीटर तो उतना ही रहेगा, पेपर का साइज छोटा हुआ है, पेपर का साइज श्रंक हुआ है। तो 5 पहले ही इतना 250 मीटर था, ठीक है ये कुछ ज्यादा होगा, ये मान लेते हैं 300 होगा, लेकिन जब ये सिमट गया छोटा हो गया तो ये 300 मीटर अब इसके अंदर आ चुका है 5 के, सही बात है। तो कंपैरेटिवली जब श्रंक हो जाएगा तो एरिया वो क्या करेगी, ज्यादा दिखाएगी, बिल्कुल क्लियर। शालिनी जी कह रही हैं फिर से समझा दीजिए, बिल्कुल देख लेते हैं शालिनी जी। मुझे ये कहा गया है कि जो ओरिजिनल लेंथ थी वो 10 सेंटीमीटर की थी और श्रंक होने के बाद वो लाइन 10 सेंटीमीटर की अब कितनी रह गई है, सिर्फ 9.4 सेंटीमीटर रह गई है। तो जो 10 सेंटीमीटर की लाइन, अब स्केल भी दे दिया गया है, स्केल दिया गया कि ओरिजिनल जो उसको स्केल था जब मैंने मैप बनाया था तो 1 सेंटीमीटर का था जो कि 25 मीटर मुझे ग्राउंड पे दिखाता था। 1 सेंटीमीटर की लाइन एक्चुअली में ग्राउंड पे कितनी की थी, 25 मीटर की थी। अब जब मुझे, मैं ये निकाल सकता हूं कि 10 सेंटीमीटर की लाइन कितने एक्चुअली ग्राउंड पे कितना दिखाती थी, लेकिन जब ये श्रंक हो गया तो वह अब 9.4 सेंटीमीटर की लाइन कितनी दिखा रही है, 2500 सेंटीमीटर दिखा रही है। तो 10 सेंटीमीटर की तो ज्यादा दिखाएगी ना, अगर ज्यादा दिखाएगी अब श्रंक होने के बाद तो मैं निकाल लेता हूं, लेकिन मुझसे क्वेश्चन में 8.2 सेंटीमीटर के लिए पूछा गया, 9.4 के लिए नहीं पूछा गया। तो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे निकाला मैंने, मैंने श्रंक फैक्टर निकाल लिया, कितने क्या रेशियो में वो रिडक्शन हुआ है, क्या रेशियो में वो श्रंक हुआ है, तो मैंने श्रंक फैक्टर निकाल लिया, कितना आ गया 0.94। 0.94 निकालने के बाद मैंने क्या देखा कि भाई स्केल कितना, भाई कितना रिडक्शन हो गया स्केल में, तो स्केल में कितना हो गया, श्रंक फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल स्केल जो कि कितना आ गया कुछ 1/2659। अब एक सेंटीमीटर एक्चुअली में ग्राउंड पे कितना दिखा रहा है, 2659 सेंटीमीटर दिखा रहा है जो कि पहले 2500 सेंटीमीटर था बस।
ध्यान देने वाली बात है। अब जब एक सेंटीमीटर 2659 सेंटीमीटर दिखा रहा है तो 8.2 कितना दिखाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8.2 किसको कर दे मल्टीप्लाई, 2659 को, जो कि कितना आ गया 218.08 मीटर। बिल्कुल क्लियर है हमारी बात। सरिता एक्का जी सर यूनिट गलत के लिए इसलिए, बिल्कुल रिकी जी कोई बात नहीं, आपका आंसर अब सही है। ओके ठीक है, क्वेश्चन हटा देंगे सर स्क्रीन से। ठीक है, अब चेन सर्वे को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो एक्चुअली में टॉपिक है वो क्या है, चेन सर्वे है। तो मैंने ये भी बात करी थी पिछले लेक्चर में कि आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से अलग अलग टाइप का सर्वे कर सकते हैं। और चेन सर्वे से हम क्या करते हैं, चेन सर्वे से हम लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। कौन सी लेंथ का, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा चेन सर्वे का, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करना क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है, या हम कह सकते हैं स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल, बल्कि इसको थोड़ा सा और वो कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्रेट डिस्टेंसेज, बल्कि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं कि हमें एक स्ट्रेट और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी है तो हम किससे कर सकते हैं, चेन सर्वे से कर सकते हैं। लेकिन चेन सर्वे जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एरिया को मान लेते हैं, ये वो कोई एरिया है, ठीक है। इस एरिया में हम क्या बना लेते हैं, कुछ स्टेशंस बना लेते हैं, मेन स्टेशंस। इन मेन स्टेशंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। इन मेन स्टेशंस से भाई, मैंने अगर मेन स्टेशंस वो कंट्रोल पॉइंट्स बना लिए जिनकी मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, उस पूरे एरिया को डिफाइन कर रहा हूँ। जिन कंट्रोल पॉइंट्स को मैंने डिफाइन किया है उन्हीं को मैं मेन स्टेशंस बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं स्टेशंस की मदद से मैं क्या करूँगा, पूरा एरिया कंट्रोल करूँगा। क्लियर रहेगी मेरी बात। तो मेन स्टेशन से, एक मेन स्टेशन से दूसरे मेन स्टेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और जो लाइन एक मेन स्टेशन से दूसरे मेन स्टेशन को जोड़ती है उसे मैं मेन लाइन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, मेन लाइन बोलता हूँ। ध्यान देने वाली बात, दूसरी लाइन है मेरे पास बेस लाइन, बेस लाइन। ये वो लाइन होती है, बेस लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन जो क्या करती है, एक एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मैंने क्या करा, अब एक बड़े एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि मैं क्या कर सकूं, इसका अलग से क्या कर सकूं, एरर अगर मैं एक बड़े एरिया का करता हूं तो चांसेस होने के ज़्यादा हैं, लेकिन अगर मैं एक एरिया को पार्ट में डिवाइड कर दूं तो एरर होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो मैंने एक बेस लाइन डिफाइन कर दी, उस बेस लाइन की मदद से मैंने क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बेस लाइन क्या होती है, वो लाइन जो एक एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उस लाइन को मैं क्या कह रहा हूँ, बेस लाइन कह रहा हूँ, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट लाइन होती है, लॉन्गेस्ट लाइन होती है, ठीक है। उसी हिसाब से मैंने आपके लिए फिगर भी बनाया है, ठीक है। जो भी अगर मान लेते भाई ये इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा आती तो मैं यहाँ से बेस लाइन बना लेता। ध्यान देने वाली बात। दूसरी एक लाइन और भी है हमारे पास और वो है चेक लाइन, कि मैंने क्या करा, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए वर्क की, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए वर्क की, मैंने एक लाइन और डिफाइन कर दी और वो क्या है, चेक लाइन, जो कि मेरे काम को क्या करेगी, चेक करेगी कि मैं अच्छे प्रिसीजन के साथ काम कर रहा हूँ कि नहीं। तो चेक लाइन इज नथिंग बट इज अ लाइन दैट चेक्स द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क। क्लियर रहेगी मेरी बात। जसपाल सिंह जी कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक लाइन सबको समझ में आ चुकी है। चेक लाइन के बाद एक हमारे पास टाई लाइन भी है, कौन सी है, टाई लाइन। अब देखिए मेरे पास, मैं मान लेता हूं यहां पे कोई पेड़ था, अगर मेरे को इस पेड़ की डिटेलिंग करनी है, मतलब
फीचर्स कोई भी भाई इस पूरे एरिया के अंदर कहीं पे पेड़ हो सकता है, कहीं पे हैंडपम्प लगा हो सकता है, तो मुझे अगर फीचर्स उठाने हैं किसी एरिया के, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेस लाइन से एक लाइन टाई लाइन बना सकता हूँ, इस चेक लाइन से भी एक लाइन बना सकता हूँ, टाई लाइन बना सकता हूँ। तो टाई लाइन क्या करती है, वहाँ से जो भी लाइन पास पड़ेगी, चाहे वो चेक लाइन हो चाहे बेस लाइन, मैं वहाँ से बना लूँगा, ठीक है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि टाई लाइन कौन सी होती है, टाई लाइन किस लिए इस्तेमाल होती है, तो टाई लाइन इज़ यूज फॉर डिटेलिंग ऑफ फीचर्स। मैं लिख देता हूँ, टाई लाइन इज यूज फॉर डिटेलिंग ऑफ फीचर्स, ठीक है। उस लाइन उस एरिया के फीचर्स को डिटेल करने के लिए, उठाने के लिए मैं क्या करता हूँ, टाई लाइन का इस्तेमाल करता हूँ। क्लियर रहेगी बात, ठीक है। बिल्कुल रितिका सिंह जी कह रही हैं होल टू पार्ट प्रिंसिपल को, ये मैं क्या कर रहा हूँ, होल टू पार्ट मूव कर रहा हूँ। पहले मैंने एक्सटर्नल एरिया को क्या कर लिया, कंट्रोल पॉइंट्स कर लिए, हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन से इसको मेजर कर लिया, फिर छोटे छोटे पार्ट्स में काम कर रहा हूँ, होल टू पार्ट काम कर रहा हूँ, जिस प्रिंसिपल की बात मैंने पिछले लेक्चर में की थी। बिल्कुल रितिका जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो ये बात सारी समझ में आ गई। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत भी होगी हमें, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए हमें चेन सर्वे करने के लिए, उन इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। देखिए पहला लोकेशन डिवाइस है, ठीक है, लोकेशन डिवाइस के लिए, ठीक है, लोकेशन बताने के लिए आप पैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैग तो वैसे भी लड़के बहुत खूब बखूबी समझ रहे होंगे, कान थोड़े से खुल गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये पैग थोड़ा दूसरा वाला है, और ये पैग की अगर मैं बात करूँ तो 15 सेंटीमीटर हाइट रहती है, और आप इसे मेन स्टेशन पे लगाते हैं, जहाँ पे भी पैग लगा है मतलब वो क्या है, मेन स्टेशन है। लेकिन मेन स्टेशन के अलावा आप कुछ बीच में इंटरमीडिएट स्टेशंस भी सेटअप करते हैं, और इंटरमीडिएट स्टेशंस पे हमेशा एरो लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एरो लगाया जाता है, और एरो की हाइट जो होती है वो कुछ 40 सेंटीमीटर होती है, ध्यान देंगे एरो। और ये कहाँ पे लगाया जाता है, इंटरमीडिएट स्टेशंस पे लगाया जाता है, ध्यान देने वाली बात है। तो ये लोकेशन डिवाइस है। दूसरा है हमारे पास रेंजिंग डिवाइस, रेंजिंग डिवाइस। लेकिन रेंजिंग डिवाइस से समझने से पहले मैं ये जरूर समझना चाहूंगा कि रेंजिंग क्या है, रेंजिंग है क्या। रेंजिंग भाई मेरे को मान लेते हैं इस पूरी लेंथ, ये कोई ए पॉइंट था, ए पॉइंट से ट्रैवर्स करते हुए बी पॉइंट तक जाना था और मुझे ये डिस्टेंस मेजर करनी थी, लेकिन जिस भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, मैं चेन की मदद से कर रहा हूँ, चेन की लेंथ क्या होगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर ये 1 किलोमीटर की है तो 1 किलोमीटर की चेन तो नहीं लाऊंगा। अगर मेरे पास 20 मीटर की चेन है तो मैं यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, नंबर ऑफ पॉइंट्स कवर अप करते हुए आऊँगा, और हर पॉइंट पर मैं क्या बना दूंगा, एक इंटरमीडिएट स्टेशन बना दूंगा, ठीक है। और वहां पे मैं क्या लगा सकता हूँ, रेंजिंग रॉड लगा सकता हूँ, ठीक है। तो रेंजिंग डिवाइस कौन सी है, रेंजिंग रॉड है। लेकिन रेंजिंग में मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं रेंजिंग में इंटरमीडिएट पॉइंट्स डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेंजिंग इज नथिंग बट स्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स, ठीक है, ऑन अ चेन, ठीक है, एक चेन पे, एक चेनेज पे इंटरमीडिएट पॉइंट्स को डेवलप करने को मैं क्या बोलता हूँ, रेंजिंग बोलता हूँ। और रेंजिंग करने के लिए मैं रेंजिंग रॉड का इस्तेमाल करता हूँ, और रेंजिंग रॉड कुछ हमारी इस तरह से होती है, ठीक है। रेंजिंग रॉड मैंने लगा दी, जिस भी पॉइंट पे मेरे को सर्वे करना था मैंने रेंजिंग रॉड लगा दी। और रेंजिंग रॉड अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते होंगे कॉलेज में, तो कुछ ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशंस की रहती थी, ब्लैक वाइट फिर से ब्लैक, ठीक है, ब्लैक की जगह कहीं पे आपको रेड भी मिल सकता है, इसकी जो हाइट होती है वो कुछ 2 मीटर रहती है, और ये एक सेक्शन जो होता है ये कुछ 20 सेंटीमीटर का होता है, क्लियर है। दूसरी बात कि आपको एक सर्वे में मिनिमम मिनिमम 3 रेंजिंग
रॉड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मिनिमम 3 रेंजिंग रॉड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, रेंजिंग प्रोसेस करने के लिए एटलीस्ट 3 रेंजिंग रॉड्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होती है रेंजिंग रॉड्स की रेंजिंग करने के लिए, कम से कम 3 की, ध्यान देने वाली बात। नवीन प्रसादी कह रहे हैं टाइलाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है क्या? नवीन जी, जब बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लेंगे, 90 डिग्री आप मेंटेन करेंगे और डिटेल ऑफ द फीचर आप क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन वो 90 डिग्री कैसे मेंटेन किया जाए, तो इसके लिए भी मेरे पास 90 डिग्री मेंटेन करने के लिए डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है इसकी बात कर लेते हैं। 90 डिग्री मेजरिंग डिवाइस, 90 डिग्री मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। 90 डिग्री मेजरिंग डिवाइस जो हैं उसमें पहला है क्रॉस स्टाफ, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्रॉस स्टाफ 90 डिग्री एंगल मेजर करने के लिए होता है, लेकिन इसमें भी दो टाइप के क्रॉस स्टाफ हैं हमारे पास। एक ओपन क्रॉस स्टाफ जिससे सिर्फ आप 90 डिग्री एंगल ही मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक मेरे पास और भी है और वो है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ जो कि 45 डिग्री और 90 डिग्री आप जो एंगल चाहें दोनों में से आप वो क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। एक लाइन के अलोंग अगर आपको क्या करना है, 90 डिग्री एंगल क्या करना है, फिक्स करना है, तो आप क्रॉस स्टाफ का इस्तेमाल करेंगे। उसमें भी ओपन क्रॉस स्टाफ 90 डिग्री के लिए और फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है, तो आप 45 डिग्री एंगल भी क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास प्रिज्म स्क्वायर है। दूसरा क्या है, प्रिज्म स्क्वायर, ठीक है, इस ये प्रिज्म के कंसेप्ट पे काम करता है। और थर्ड मेरे पास जो बेस्ट है, बेस्ट ऑप्टिकल स्क्वायर, कौन सा है, ऑप्टिकल स्क्वायर है, ये बेस्ट इक्विपमेंट है 90 डिग्री एंगल को सेटअप करने के लिए, ध्यान देने वाली बात। लेकिन ऐसा क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। कैसे समझेंगे भाई, मैंने थोड़ा सा इसका क्रॉस सेक्शन बनाने की कोशिश करता हूं मैं। भाई मैंने क्या करा, इसके अंदर बेसिकली दो शीशे लगा दिए, और कितने डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। जब मैंने इसके ऊपर दो शीशे लगा दिए अंदर, ठीक है, तो क्या हुआ, बाहर से जो लाइट आई पहले एक शीशे पे टकराई, फिर रिफ्लेक्ट होके दूसरे शीशे पे गई, और एक शीशे से दूसरे शीशे पे जाके क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होके आपने मेजर कर लिया, और ये कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। तो 90 डिग्री मुझे पता चल गया। दूसरी बात, बेस्ट क्यों है, बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये इंटरनल रिफ्लेक्शन, और कौन सा, डबल रिफ्लेक्शन, डबल रिफ्लेक्शन पे क्या है, बेस्ड है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर क्या है, डबल रिफ्लेक्शन है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर, तो वो क्या है, वो डबल रिफ्लेक्शन है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। बात समझ में आई है तो थम्स अप जरूर करके मुझे बताएं। ऑप्टिकल स्क्वायर एडजस्टेबल इन, हसन मौला जी बिल्कुल ऑप्टिकल स्क्वायर जो है एडजस्टेबल इन प्रिज्म, ठीक है, उसकी इतने ज्यादा की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, डबल, विकास जी कह रहे हैं कि डबल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल आपका भी जवाब बिल्कुल सही है, कुछ ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखिए
भाई चेन सर्वे आप कर रहे हैं तो चेन सर्वे करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? चेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चेन को भी समझना है, बहुत ज़रूरी है चेन को समझना। ठीक है, चेन को भी समझ लेते हैं। ये कुछ चेन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमेशा लेंथ ऑफ चेन मेंशन रहती है, लेंथ ऑफ चेन मेंशन रहती है। दूसरा, ये जो आपका हैंडल है, ठीक है, ये क्या है? हैंडल है, ये ब्रास का बना रहता है। दूसरी बात, ये जो रिंग्स आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये कैसे हैं? ओवल हैं शेप में थोड़े से, तो ओवल रिंग्स कहते हैं इनको। दूसरा, एक ओवल रिंग से दूसरे ओवल रिंग के बीच की डिस्टेंस को मैं लिंक बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? लिंक बोलता हूँ। ध्यान देने वाली बात, अंशुल पाल जी कह रहे हैं ड्यूरेशन क्लास की थोड़ी सी बढ़ा दें। कोशिश करते हैं, बढ़ा देंगे, बिल्कुल बढ़ा देंगे, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैंने इसको लिंक बोल दिया। अब मेरे पास कई टाइप की चेन है और उसमें अलग अलग नंबर ऑफ लिंक्स हो सकते हैं और अलग अलग लेंथ हो सकती है उन चेन्स की। तो सबसे पहली टाइप की चेन है मेरे पास मैट्रिक चेन। ठीक है, मैट्रिक चेन जो होती है एक 20 मीटर की होती है और इस 20 मीटर की चेन के अंदर 100 लिंक रहते हैं। कितने रहते हैं? सॉरी, हाँ ठीक है, 100 लिंक रहते हैं 20 मीटर की चेन में। तो 100 लिंक हैं अगर इस 20 मीटर की चेन में, ठीक है, तो एक लिंक की लेंथ कितनी हो गई? सवाल बनता है कि मैट्रिक चेन में एक लिंक की लेंथ, एक लिंक कितने मीटर के बराबर होता है? ठीक है, या आप सेंटीमीटर में भी कह सकते हैं। जब 100 लिंक 20 मीटर के बराबर हैं तो एक लिंक 20 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इन मैट्रिक चेन वन लिंक कितने बराबर होता है? 20 सेंटीमीटर के बराबर। लेकिन मैट्रिक चेन 30 मीटर की भी आती है और इस 30 मीटर की चेन में, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए, 30 मीटर की चेन में 100 लिंक भी आते हैं और 150 लिंक वाली भी आती है। ध्यान देने वाली बात, यह पुरानी हो चुकी है लेकिन अब जो आती है नई वो कौन सी है? 150 लिंक वाली। और इसके हिसाब से भी अगर मैं निकालूं कि एक लिंक की लेंथ क्या होगी तो 20 सेंटीमीटर निकल के ही आती है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 20 सेंटीमीटर की हो चाहे 30 सेंटीमीटर की हो, दोनों ही केस में एक लिंक की लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर ही रहेगी इन केस ऑफ मैट्रिक चेन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरी गंटर चेन भी है। कौन सी चेन है? गंटर्स चेन। गंटर्स चेन, गंटर्स चेन की जो लेंथ है वो कुछ 66 फीट रहती है, फिट, और इसमें भी 100 लिंक होते हैं। इसमें भी कितने होते हैं? 100 लिंक रहते हैं। गंटर्स चेन के बाद हमारे पास एक इंजीनियर चेन है। ये सबसे अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि भाई ये 100 फिट की है और उसमें 100 लिंक है, याद रखने में थोड़ी आसान रहती है इसलिए अच्छी लगती है। तो एक लिंक 1 फिट का होगा और 1 फिट में कितने मीटर होते हैं? 1 फिट में 0.034 मीटर रहते हैं, मतलब 1 फिट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि एक लिंक की लेंथ भी कितनी होगी? 30.48 सेंटीमीटर होगी इन केस ऑफ इंजीनियर्स चेन। दूसरा, इंजीनियर्स चेन के बाद एक और चेन भी है हमारे पास और उसे मैं रेवेन्यू चेन बोलता हूँ। कौन सी बोलता हूँ? रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन 16 फिट की रहती है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, 16 फिट की रहती है, सॉरी 16 कह दिया मैंने, कुछ गड़बड़ हो गई, 33 फिट की।
33 फिट की रहती है और 16 लिंक होते हैं, ठीक है, लिंक 16 होते हैं। तो अब मुझे ये पता है कि कितने टाइप की चेन है, उनकी क्या लेंथ होती है, उसमें कितने लिंक होते हैं, ठीक है। अब लेकिन दो बात और ध्यान रखने की बात है, जब नंबर ऑफ, भाई मैं अगर एक डिस्टेंस कवर करते हुए आया ए से 20 और मेरी 20 चेन लग गई, 10 चेन लग गई, तो मैं बार बार नहीं बोल सकता कि मैं 10 गंटर्स चेन लेंथ कवर करके आया हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ईजी बना देता हूँ, कैसे, कि जब भी आप 10 गंटर्स चेन की लेंथ क्या करते हैं, कवर अप करते हैं, ठीक है, 10 गंटर्स चेन, तो 10 गंटर्स चेन की लेंथ को आप 1 फरलोंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 1 फरलोंग। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 1 फरलोंग इक्वल्स टू 10 गंटर्स चेन, 20, 30, 40, कितने हैं, 10 गंटर्स चेन के बराबर होती है 1 फरलोंग। और तो और 80 गंटर्स चेन के बराबर होता है 1 माइल। तो 1 माइल में कितनी गंटर्स चेंज आ जाती है, 80, और 1 फरलोंग में 10 गंटर्स चेंज। ध्यान देने वाली बात, ठीक है। गौरव सिंह जी कह रहे हैं इंजीनियर्स चेन 100 फिट 100 लिंक, बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है, कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की। अब देखिए, जब मुझे क्या करना था, चेन सर्वे करना था, तो चेन सर्वे तो मैं टेप से भी कर सकता हूँ और चेन से भी कर सकता हूँ। ये चेन का क्रॉस सेक्शन था। टेप आपने देखा है, दर्जी के यहाँ जाते होंगे, कपड़े आपसे कहता होगा कि भाई हाथ ऊपर करो नीचे करो, आपसे नापता होगा, कैसा टेप होता है, वो लिनन का टेप होता है, कपड़े का टेप होता है, ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, तो उसे हम क्लॉथ या फिर लिनन का टेप बोल देते हैं, लिनन का टेप बोल देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि वो आसानी से खिंच जाता है, ख़राब हो जाता है पानी में, इसलिए उसका इस्तेमाल क्या होता है, रेयर करते हैं, जब कोई ऑप्शन नहीं है तो लिनन टेप है। इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या लिया है, मेटेलिक टेप लिया है, मेटल का बना हुआ मेटेलिक टेप। ये ब्रास का भी आता है, ये कॉपर का भी आता है, ये ब्रॉन्ज का भी आता है, आप जिसका चाहें उसका ले लें, लेकिन मेटल का बना है। टेम्परेचर वेरिएशन होने के साथ साथ, अगर जिस टेम्परेचर पे आपने मैन्युफैक्चर करा था और जिस टेम्परेचर पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ तो लेंथ ऑफ द टेप क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। इसीलिए हमने मेटेलिक टेप को स्टील टेप से रिप्लेस कर दिया। ये इससे अच्छा है, मेटेलिक क्लिनन से अच्छा है, मेटेलिक से अच्छा स्टील टेप है, लेकिन स्टील टेप भी क्या है, बेसिकली ये भी मिक्सचर होता है किसका, कार्बन का और आयरन का, तो इसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं एक बेस्ट क्वालिटी का टेप ले आया। बेस्ट टेप कौन सा ले आया, बेस्ट टेप मैं लेके आया और उसे मैं कहता हूँ इनवर टेप। क्या बोलता हूँ, इनवर टेप, और इनवर टेप बेस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए क्यों, क्योंकि इनवर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, और ये क्या होता है, एलॉय होता है। किसका एलॉय होता है, एलॉय होता है निकल का एंड स्टील का। स्टील और निकल को मिला के हमने एक नया एलिमेंट बना लेते हैं इनवर, और इनवर का हमने क्या बना लिया, एक टेप बना लिया, और हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के लिए हम क्या करते हैं, इनवर टेप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें क्या करनी थी, बेस लाइन को हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन से मेजर करना था, तो बेस लाइन के लिए, बेस लाइन का जो मेजरमेंट है वो किससे करेंगे आप, इनवर टेप से करेंगे। ध्यान देने वाली बात, ठीक है, बिल्कुल। पूनम जी, 35% लगभग निकल रहता है और 65% लगभग स्टील रहता है। बहुत बढ़िया पढ़ाई करके पूनम जी भी बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, आपने याद दिला ही दिया है, तो मैं बता ही देता हूँ फिर से कि भाई जो यहाँ पे 35 और 65% का रेशियो होता है, ठीक है, 35% क्या है निकल है और 65% क्या है स्टील है, ठीक, आप तो खुशी होंगी पूनम जी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, बिजू साहू जी भी कह रहे हैं बिल्कुल, हाँ, तो आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। अब अगर जो आपका ये मेजरमेंट है, आप तो कह रहे थे ऑब्जेक्टिव मेरा स्ट्रेट पे मेजर करने का, लेकिन अगर ग्राउंड स्ट्रेट नहीं हुआ, इंक्लाइंड हुआ, तो मैं एक नए इंस्ट्रूमेंट का
इस्तेमाल कर सकता हूँ और उसको मैं क्या बोलता हूँ, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो सब्सटेंस बार, सब्सटेंस बार, ठीक है, सब्सटेंस बार का इस्तेमाल करते हैं। सब्सटेंस बार का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन अनड्यूलेटेड एरियाज। अनड्यूलेटेड एरिया में मतलब जो ऊपर नीचे हो, अनड्यूलेटेड एरिया में अगर मुझे लेंथ मेजर करनी है तो मैं किसका, सब्सटेंस बार का इस्तेमाल कर लूंगा। अब अनड्यूलेटेड एरिया है तो स्लोप भी होगा, और अगर मुझे स्लोप मेजर करना है तो मैं क्लिनोमीटर का इस्तेमाल करता हूँ, क्लिनोमीटर फॉर मेजरिंग स्लोप। स्लोप के लिए मैं क्लिनोमीटर का इस्तेमाल करता हूँ। क्लिनोमीटर को कभी कभी टिल्ट मीटर भी कह दिया जाता है, ध्यान देने वाली बात, टिल्ट मीटर के साथ साथ इसे ग्रेडियोमीटर भी बोल दिया जाता है, और साथ के साथ क्लिनोमीटर को इनक्लिनोमीटर भी कह देते हैं। ज़्यादातर जगह क्लिनोमीटर ही मिलेगा, लेकिन गलती से कहीं टिल्ट मीटर, ग्रेडियोमीटर या फिर इनक्लिनोमीटर लिखा मिल गया तो कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तीनों एक ही बातें हैं जो कि स्लोप मेजरमेंट के काम आती हैं, ध्यान देने वाली बात। इतनी बातें समझ में आई हैं तो मुझे ज़रूर थम्सअप करके बताएं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, और कोई भी शक हो या फिर कोई भी डाउट हो उसको मुझसे पूछ सकते हैं। अनिकेत जी कह रहे हैं विच बार इज़ यूज इन लार्ज डिस्टेंस मेजर। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस, भाई लार्ज डिस्टेंस जब आप मेजर करेंगे, सीधी सी बात है कि भाई लार्ज डिस्टेंस आप उतनी बड़ी चेंज तो नहीं लेके आ सकते ना, डिस्टेंस जब लार्ज होगी, ठीक है, तो आप नंबर ऑफ चेंज यूज़ करते हुए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि भाई आपको ए से बी पॉइंट तक जाना था, ए से कहाँ तक जाना था, बी पॉइंट तक जाना था, और ए से बी पॉइंट तक जाते जाते आपकी 50 चेन्स एंड 60 लिंक्स लग गए, ठीक है भाई, यहाँ तक आते आते 50 चेन लग गई, वहाँ से आते आते एक चेन, दो, तीन, पाँच, जो भी, ठीक, और यहाँ तक एक पूरी नहीं लगी, एक मुझे पता था एक लेन 100 लिंक है, लेकिन मेरे सिर्फ कितने इस्तेमाल हुए, 60 ही लिंक इस्तेमाल हुए, तो मेरी टोटल लेंथ कितनी लगी, मुझे अगर ये निकालना है तो मैं कैसे निकालूं। मैं मान लेता हूं कि मैं जो यहां पे चेन इस्तेमाल कर रहा था 20 मीटर की कर रहा था, और 20 मीटर की मैट्रिक चेन में मेरे पास कितने लिंक थे, 100 लिंक थे, तो मुझे टोटल लेंथ बतानी है, कैसे करूं। टोटल लेंथ बताने के लिए क्या कर सकता हूं भाई, एक चेन की लेंथ 20 मीटर है तो 50 चेन की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 60 लिंक इस्तेमाल हुए सिर्फ। अब मुझे पता है कि 20 मीटर की चेन में 100 लिंक थे तो एक की कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 60 ही लिंक इस्तेमाल हुए हैं तो मैंने निकाल लिया, और ये कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करके कमेंट करके मुझे बताएं कितने मीटर आपकी टोटल लेंथ इस्तेमाल हुई है। अमन कुमार जी कह रहे हैं सर जी मज़ा आ रहा है, बिल्कुल अमन कुमार जी आपके मज़े के लिए ही हैं हम यहाँ पे, बिल्कुल। अनड्यूलेटेड एरिया क्या होता है, अनड्यूलेटेड एरिया जो ऊबड़ खाबड़ एरिया है, क्योंकि आपको तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर करनी थी, अब ये ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे हो गया तो मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं रही, तो अनड्यूलेटेड एरिया में आप सब्सटेंस बार का इस्तेमाल करते हैं। केशव साहू जी कह रहे हैं क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा इंक्रीज करें, कोशिश करते हैं। शाही रंजन शर्मा जी एई और जेई दोनों के लेवल के लिए चल रहा है, ठीक है, हम फोकस कर रहे हैं कि एई तक के लेवल के लिए आपको पढ़ा दें ताकि जेई का लेवल तो आपका ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा साथ के साथ, ठीक है, जो एई के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसका जेई के लिए तो हो ही गया। ठीक है, 1012 कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, 1012 मीटर, ठीक है, तो 1012 मीटर इज द राइट आंसर। रिकी शर्मा जी, विजय गुप्ता जी, रितिका जी, सरिता जी, सभी का लगभग 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 सही आंसर देखने को मुझे मिल रहा है। लेकिन जब आप चेन सर्वे करते हैं तो चेन सर्वे करते समय कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, ठीक है, और वो मिस्टेक्स किसकी वजह से हो रही हैं,
ठीक है, तो कुछ करेक्शन आपको लगाने पड़ेंगे चेन सर्वे में, कुछ करेक्शन आपको लगाने पड़ते हैं, करेक्शंस इन चेन सर्वे, ठीक है, चेन सर्वे में कुछ करेक्शन रहते हैं। एक करेक्शन किसकी वजह से भाई, करेक्शन क्यों लगाने हैं, सवाल ये बनता है भाई। एक करेक्शन है कि भाई अगर मान लेते हैं आपने कहा कि 20 मीटर की चेन है, लेकिन गलती से आपकी जो चेन थी वो 20 मीटर की नहीं थी, तो मतलब जब 20 मीटर की नहीं थी तो वो ज़्यादा की भी हो सकती है और कम की भी हो सकती है, 20 मीटर से ज़्यादा की भी एक्चुअली में हो सकती है। आप तो उससे कितना नाप के आ गए, 20 ही मीटर नाप के आ गए, लेकिन वो तो 20 मीटर की है ही नहीं, वो तो सिर्फ कितने की है, 19.5 मीटर की है या फिर 21.5 मीटर की है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। तो उस केस में आप बहुत बड़े एरिया को अगर आप क्या करके आ रहे हो, उस मेजरमेंट करके आ रहे हो, तो वापस जाओगे तो लेबर की कॉस्ट दोबारा लगेगी, आपका टाइम दोबारा लगेगा और इतना मेहनत आप दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं और वो क्या है, वो दिमाग लगा सकते हैं, दिमाग लगा के आप उस गलत चेन से आप सही लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान देने वाली बात है। तो पहला करेक्शन जो है, करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन कि भाई आपने उसका स्टैंडर्डाइजेशन, आपने तो बोल दिया था 20 मीटर की है, आपने पहले से ही गलत चेन पकड़ा दी, गलत लेंथ की, स्टैंडर्डाइजेशन ही उसका गलत हो गया था, इसी वजह से गलती हुई है, यह आपकी वजह से नहीं हुई है, यह चेन की लेंथ गलत होने की वजह से गलती हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सही करने की कोशिश करता हूँ। मैंने मान लिया कि जो ओरिजिनल लेंथ थी चेन की, ओरिजिनल लेंथ थी चेन की वो कुछ एल थी, और एल डैश क्या थी, रॉन्ग लेंथ थी, रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन। जब मैं ओरिजिनल लेंथ अगर मेरे पास एल होती तो मैं स्मॉल एल ओरिजिनल, या फिर मैं कह सकता हूं राइट लेंथ ऑफ लाइन मेजर करके आता, और लेकिन मैं तो कौन सी ले गया, एल डैश वाली ले गया, रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन ले गया, तो मैं इससे क्या, स्मॉल एल डैश रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन मेजर करके आ गया। तो मुझे भाई, मेरे पास तो अभी कौन सी है, एल डैश है, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैं तो एल डैश मेजर करके आ गया हूँ। तो इसका एक बहुत शॉर्टकट तरीका, क्योंकि एग्ज़ाम में मैं लंबे मेथड से नहीं कर सकता, मुझे तो चुटकियों में आंसर निकालना है, और चुटकियों में आंसर निकालने के लिए मैंने एक चुटकी भर का फॉर्मूला आपके लिए बनाया है। तो चुटकी भर का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, समझने की कोशिश करते हैं कि राइट मल्टीप्लाई बाय राइट इक्वल्स टू रॉन्ग मल्टीप्लाई बाय रॉन्ग, मतलब एल मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एल, दोनों राइट थे, ये भी राइट था और ये भी राइट था, ओरिजिनल को मैं राइट भी बोल सकता हूँ, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, एल डैश मल्टीप्लाई बाय एल डैश, मतलब इसके हिसाब से स्मॉल एल की वैल्यू कितनी होगी, स्मॉल एल की वैल्यू होगी एल डैश मल्टीप्लाई बाय एल डैश अपॉन कैपिटल एल। सही है मेरी बात, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, बात समझ में आई होगी तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। इसके बाद एक करेक्शन तो मैंने किसकी वजह से, स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से लगा लिया, एक करेक्शन मैं और भी लगा सकता हूँ, और वो करेक्शन किसकी वजह से होगा, वो करेक्शन टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और भी बता देता हूँ, लंबे तरीके से अगर आप सॉल्व भी करते हैं तो एक एग्ज़ाम में और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक, कि ये जो करेक्शन है, स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन है, ये आप करेक्शन पॉजिटिव लगाओगे नेचर में कि नेगेटिव लगाओगे नेचर में। तो बस एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, और वो क्या है, जब भी एल डैश की वैल्यू एल से बड़ी हो तो करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव करेक्शन होगा, और जब भी एल डैश की वैल्यू लेस देन एल होगी तो करेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव इन नेचर होगा, नेचर, ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अभी आपको किसी करेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करेक्शन तो आपने इसके अंदर इनबिल्ट करके निकाल लिया है, एक्चुअल लेंथ निकाल ली है, लेकिन लंबे मेथड से करते तब इसका काम आता, ठीक, और वो ऑब्जेक्टिव में आपसे इतना सॉल्व नहीं कराएगा, ठीक है मेरी बात।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो ये करेक्शन एक तो किसकी वजह से आपने लगा दिया, ठीक, एक तो स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से लगा दिया, दूसरा आप लगा सकते हैं स्लोप की वजह से, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आपको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट को मेजर करना था, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल था, अब एक्चुअली में वो कैसा है, ऐसा है, लेकिन बी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। आपको बी करना था लेकिन आप ए से कहाँ पहुँच रहे हो, बी डैश पे पहुँच रहे हो। अगर मैं इसको सेंटर मान लूँ और यहाँ से एक आर्क डेवलप करूँ, ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस ये होगी आर होगी, ये भी उतनी ही आर होगी। तो मतलब मैंने क्या कर ली, धोखे में ज़्यादा लेंथ मेजर कर ली। अगर ज़्यादा कर ली तो मेरा ये जो करेक्शन होगा ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर होगा, सब्ट्रैक्टिव इन नेचर होगा, नेगेटिव करेक्शन। और अगर आपको ये करेक्शन लगाना है, ठीक, तो आपको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ, और वो क्या है, सी स्लोप, मतलब करेक्शन ड्यू टू स्लोप क्या होगा, करेक्शन ड्यू टू स्लोप होगा एच स्क्वायर बाई टू एल नॉट, ठीक है। एल नॉट जो क्या है, लेंथ जो आपने मेजर करी, लेंथ मेजर्ड, और एच क्या है, बी से बी डैश के बीच की डिस्टेंस, या मैं ऐसा कह सकता हूँ एलिवेशन ऑफ पॉइंट बी डैश फ्रॉम बी। ध्यान देने वाली बात, मीन सी लेवल का करेक्शन कह रहे हैं, नहीं नहीं मीन सी लेवल करेक्शन का जरूरत नहीं है। एस स्क्वायर बाई टू एल, बिल्कुल विजय गुप्ता जी का बिल्कुल सही है, नवीन प्रसाद जी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। और जो एग्जैक्ट फार्मूला, ये तो अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है, ठीक है, एग्जैक्ट फार्मूले की भी अगर मैं बात कर लूँ तो सी स्लोप की जो वैल्यू होती है, ठीक भाई, एक्चुअली में तो मेरे को क्या मिल रही है, ठीक है भाई, मुझे मेजर एल करनी थी करेक्ट वाली, लेकिन मुझे एल नॉट मिली इनकरेक्ट वाली, तो करेक्शन कितना लगाना पड़ेगा, एल नॉट माइनस एल। तो इसके बिहाफ पे एल की जो वैल्यू रहती है वो कुछ रहती है एच स्क्वायर, ठीक है, एल नॉट का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। एच आप जानते हैं क्या है और एल नॉट आप जानते हैं क्या है, तो एल नॉट और एच का इस्तेमाल करके ये एग्जैक्ट फार्मूला आपको दोनों में से कोई भी पहचानने के लिए बोल सकता है एग्जाम के अंदर, आप दोनों पहचान सकते हो क्योंकि आप दोनों जानते हो। क्लियर रहेगी मेरी बात, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, करेक्शन ड्यू टू स्लोप भी आपने लगा लिया। स्लोप के बाद एक करेक्शन मेरा और भी है, अगर क्या हो जाता है, अलाइनमेंट चेंज, अगर अलाइनमेंट चेंज हो जाता है तो भी आपको करेक्शन लगाना पड़ेगा, और तब भी सेम वैल्यू है, ठीक है, सेम एच स्क्वायर बाय टू एल, ठीक है। ये भी हमेशा नेगेटिव होता है नेचर में, कैसा होता है, नेगेटिव होता है। साथ में ये फिर कैसा है, अप्रॉक्स रिलेशन है, एग्जैक्ट क्या रहेगा, फिर वही सेम जो स्लोप में था, और वो क्या था, एल नॉट माइनस अंडर रूट एल नॉट का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। ये कैसा है, एग्जैक्ट रिलेशन है, ठीक, ध्यान देने वाली बात है, ठीक। सर बता दीजिए मीन सी लेवल करेक्शन, विजय गुप्ता जी मीन सी लेवल करेक्शन क्यों लगाएंगे आप चेन सर्वे में, भाई आप लेंथ के अलोंग मूव कर रहे हैं, मीन सी लेवल से क्यों लगाएंगे, मीन सी लेवल से तो एलिवेशन के लिए काम होगा। करेक्शन इज अपोजिट टू एरर, बिल्कुल दत्ताचार्य जी करेक्शन, बिल्कुल, अगर एरर का जो आपका नेचर है वो पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि एरर ज़्यादा है, मतलब एरर क्या कर रहा है, वैल्यू को बढ़ा रहा है, तो आपको एक्चुअल तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जैसा भी एरर का नेचर होता है करेक्शन उसका हमेशा ऑपोजिट होता है, बिल्कुल। नवीन यादव जी टाइमिंग, बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉलेज भी जाते हैं तो उनकी वजह से हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है, और शाम को आप सभी लोग आराम से बैठे होते हैं घर में, चाय पी रहे होते हैं इस टाइम पे, तो आराम से आप लेक्चर्स को देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, तो चाय पीते हुए पढ़ने का एक अलग ही मज़ा होता है, ठीक है। कोशिश करिए कि लेक्चर्स को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर की वजह से भी, ड्यू टू टेम्परेचर,
टेम्परेचर की वजह से भी करेक्शन लगाना पड़ सकता है, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से जब भी आप करेक्शन लगाएंगे सी टी, ठीक, तो करेक्शन की जो वैल्यू है वो एल नॉट, जो भी लेंथ आप मेजर करके आए हैं, मल्टीप्लाई बाय अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ब्रैकेट में टी एम माइनस टी नॉट। अब ये टी एम और टी नॉट क्या है? टी नॉट वो टेम्परेचर है जिस पे आपने चेन को क्या करा था, तैयार करा था। टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, और टीएम क्या है? टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, जब आप क्या कर रहे हो, मेजरमेंट कर रहे हो लाइन का, ठीक है। टी नॉट वो टेम्परेचर है जब आप स्टैंडर्डाइज, जब आपने चेन को बनाया था, और टीएम क्या है, जब आप टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे चेन सर्वे कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ टी नॉट से तो ऐसा भी तो हो सकता है चेन क्या कर जाए, एक्सपेंड कर जाए, और कम हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। मतलब करेक्शन लगाना पड़ेगा अगर टेम्परेचर में क्या है, चेंज है, और टेम्परेचर चेंज से लेंथ में कितना बढ़ाव घटाव होगा वो कौन बताता है, अल्फा बताता है, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बताता है, ठीक है। तो अगर टी एम की वैल्यू टी नॉट से ज़्यादा हुई तो करेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव इन नेचर होगा, ध्यान थोड़ा सा सॉरी हाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है, गलती हो गई, ठीक। तो टी एम की वैल्यू अगर टी नॉट से ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव होगा करेक्शन, और टी एम की वैल्यू जब भी टी नॉट से कम होगी करेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव इन नेचर होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं ट्रिक बता देता हूँ याद रखने की, कि जब भी क्या था एम वाली वैल्यू नॉट वाली वैल्यू से ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव, और जब भी एम वाली वैल्यू नॉट वाली वैल्यू से छोटी होगी नेगेटिव। अभी हम पुल की भी बात करेंगे तो उसमें भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। पिछली बार जब एल डैश की वैल्यू एल से ज़्यादा थी तब भी करेक्शन पॉजिटिव था, और एल डैश की वैल्यू एल से कम थी तब भी करेक्शन नेगेटिव था। मतलब जब भी मेजरमेंट के टाइम गलती हुई है या फिर कुछ वैल्यू बढ़ गई है घट गई है, वो वाली वैल्यू हमेशा जब भी ज़्यादा होती है करेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। याद रखने का बिल्कुल एक अच्छा तरीका है, ठीक है, ठीक है। अभिषेक कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। इसके बाद पुल की वजह से भी करेक्शन आपको लगाना पड़ सकता है ड्यू टू पुल, ठीक। पुल की भी बात कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं पुल की वजह से। देखिए पुल की वजह से अगर मैं बात करूं ड्यू टू पुल, पुल में एक समझने वाली बात यह है कि भाई अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या करता हूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मेजर करना चाहता हूँ, एक स्टाफ यहाँ लगाया एक स्टाफ यहाँ लगाया, चेन यहाँ से यहाँ तक की क्या कर रहा हूँ, मेजरमेंट कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने जितनी रिक्वायर्ड पुल थी मैंने मान लिया कि पी नॉट टेम्परे पी नॉट पुल पे तो मैंने क्या करा था, मैग्नीफैक्चर करा था, स्टैंडर्ड पुल जो है वो कितनी है, पी नॉट है, कि आप इतनी वैल्यू तक खींचेंगे तो आपको जो लेंथ मेजरमेंट इससे मिलेगी वो बिल्कुल सही मिलेगी, ज़्यादा खींचेंगे तो लेंथ खींच भी सकती है, और नहीं खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कुछ इस तरह से बेंट हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। ज़्यादा खींच ली तो पुल खींच के लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, कम कर ली तो भी क्या हो जाएगा, पुल की वजह से ऐसा हो सकता है कि ये क्या हो जाए, बेंट हो जाए, तो दिक्कत आ सकती है। तो मैं क्या करूँगा, करेक्शन लगा दूंगा। अगर मैंने जब पुल जो मैं लगा रहा था, जब मैं मेजरमेंट कर रहा था, तो पी एम कर दी, पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट के टाइम अगर पी एम पुल लगा रखी और स्टैंडर्डाइज जब करा था चेन को तब पी नॉट थी। मैं आपको बता दूं जितनी भी चेन मार्केट में आती हैं, ठीक है, उसमें आपको स्टैंडर्ड पुल कितना लगाना है ये गिवन होता है उसके डब्बे के ऊपर, तो आप पी नॉट की वैल्यू आपको पता है उस टाइम एक्चुअली में आपने कितना पुल लगाया, आपको ये पता होगा क्योंकि पुल आप लगा रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि पी एम की वैल्यू क्या पी नॉट से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा हुई तो करेक्शन फिर से क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, और अगर कम हुई तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ध्यान देने वाली बात है, ठीक। लेकिन कितना करेक्शन लगाऊं, कितना लगाऊं करेक्शन कितना लगाऊं,
ठीक है, तो सी जो पुल है वो कितना है, पी एम माइनस पी नॉट, ठीक है, पी एम माइनस पी नॉट इंटू एल नॉट जो लेंथ आपने मेजर करी है, ठीक है, अपॉन में ए टी इंटू ई टी। पी एम क्या है, जो पुल आपने लगाई, पी नॉट क्या है, जो स्टैंडर्ड आपको लगानी चाहिए, एल नॉट क्या है, जो लेंथ आपने मेजर करी है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टेप या फिर चेन, ठीक है, जो भी टेप आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ई जिस भी मटेरियल को उससे बनाएंगे उसका कुछ ना कुछ यंग्स मॉडुलस होगा, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ दैट मटेरियल या फिर चेन या टेप जो भी आप कहना चाहें। क्लियर रहेगी मेरी बात, थम्सअप करके ज़रूर बताएं कि बात समझ में आई है कि नहीं। योगेश कुमार जी कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा है मुझे बताएंगे। दत्ताचार्य कह रहे हैं सर ऑल नेगेटिव करेक्शन की ट्रिक बताइए। ऑल नेगेटिव करेक्शन की ट्रिक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। विजय लाल जी कह रहे हैं सॉइल कलेक्टर, देखते हैं सर्वे कंप्लीट कर लेते हैं फिर सॉइल भी शुरू कर लेंगे आप लोगों के लिए। दत्ताचार्य जी स्टैंडर्ड पुल हर चेन के लिए अलग होगा, ये डिफाइन होके वहाँ से आएगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जो चेन बनाई जाएगी जिस पुल की वैल्यू पे बनाई जाती है, जिस पुल के लिए उसे स्टैंडर्डाइज किया जाता है, वो डब्बे पे दे दिया जाएगा आपको, नोन हो जाएगा, यहाँ पे कोई वो वैल्यू नहीं है। योगेश कुमार जी कुछ कह रहे हैं तो जरूर बताएं योगेश कुमार जी। योगेश कुमार जी कह रहे हैं न्यू है, न्यू है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछें ज़रूर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, प्रॉब्लम बताने से काम चलेगा। बहुत बच्चों को मैं बता दूं कि ये क्या करते हैं कि वो ये बोलते हैं कि जी मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा से कुछ नहीं होगा, आप मुझे प्रॉब्लम बताएंगे तो मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए अभी तक जो भी समझ में आया है ज़रूर बताएं। दीपक मन्हास जी कह रहे हैं एस्टिमेशन कंप्लीट हो गया। दीपक जी मुझे लगता है कि आपने लेक्चर्स देखे नहीं हैं, देखिए 9 लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं हमारे चैनल के ऊपर, आप उनको देख सकते हैं और बिल्कुल बखूबी सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हैं, साथ में 2 सेशंस भी हमने अलग से करे हैं एस्टिमेट के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही काफ़ी करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और उसमें 2 करेक्शन अभी हमारे बच जाते हैं उन करेक्शंस को भी कर लेंगे, और उसके बाद हम कंपस सर्वे शुरू करेंगे। कंपस सर्वे भी बहुत अच्छा टॉपिक है। कंपस सर्वे में मैं आपको एक बात बता दूं कि कंपस सर्वे में मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं दूंगा, आप बुक खोल के देखेंगे बहुत फॉर्मूला आपको मिलेंगे, मैं बिना फॉर्मूले का आपका कंपस सर्वे पूरा करा दूंगा, बस आपको मेरी बात एक एक बात ध्यान रखनी है, आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे कंपस सर्वे में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, थैंक यू।